जय श्री राम दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग वापस से हाजिर हैं रामसंस के रेडियो के साथ। रामसंस का रेडियो जो कि 500 में मैंने खरीदा था और आपको मैंने इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो मैंने किए हैं उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हैं और मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ सभी मॉडिफिकेशन की। पहला तो मैंने इसके ट्यूनिंग स्केल को काफ़ी मजबूत किया था, यानी कि ट्यूनिंग स्केल आपका देखने आपने देखा होगा कि चलाते चलाते जो उठ जाता है और या फिर हिलता डुलता है जो हम लोग रेडियो को ऐसे कर देते हैं। मेरा देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया था, आप वीडियो जाके देख सकते हैं पीछे। और सबसे बढ़िया मॉडिफिकेशन जो मैंने इसमें किया था वो था ये स्विच। यस, इसी स्विच से ये चालू और बंद हो जाता है। यहाँ मैं आपको चला के दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर मैंने पकड़ा इसे और यहाँ देखिएगा आप, मैं बिल्कुल भी वॉल्यूम नॉब को नहीं छूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नहीं छूँगा। अब यहाँ देखिए ये चालू हो जाएगा, देख सकते हैं। मैंने पीछे स्विच लगा दिया ताकि हमारा आगे का जो वॉल्यूम वाला स्विच है वो काफ़ी बार ख़राब हो जाता है काफ़ी रेडियोज़ में, तो मैंने सोचा इसे लगा ही देता हूँ क्योंकि कोई फिर परेशानी बचेगी नहीं रेडियो में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है चार्जिंग सॉकेट सीधा दिया गया था कि आप इसे या तो डायरेक्टली चला लीजिए चार्जर पर या फिर तीन सेल पे। तो देखिए, चार्जर पे चलाएंगे तो रेडियो ख़राब होगा, सेल पे चलाएंगे तो पैसा ख़राब हो जाएगा। पैसा तो हमें पैसा भी बचाना है और हमें अपना रेडियो भी बचाना है, इसीलिए हमने क्या किया, इसमें बैटरी लगा दी, जिसका मॉडिफिकेशन का वीडियो मैंने अपलोड करा है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने चार्जिंग का मॉड्यूल भी लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट लगी हुई है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू लाइट जलेगा और जब ये चार्जिंग हो रहा होगा तो ये रेड लाइट जलेगा। ये आपका इसका बैंड स्विच है। एंटीना का मैंने जुगाड़ आपको दिखा दिया था बहुत सारे वीडियो में, मेरा एंटीना टूट चुका है। इसका एंटीना आजकल उतना मजबूत नहीं दिया जाता है, 500 में अब 200 का एंटीना ही लग जाएगा तो फिर रेडियो का फिर बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़ेगी। तो चलिए, कुल मिला के रेडियो काफ़ी अच्छा है, 500 में आपको रेडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी है कि मतलब जल्दी ना टूटे, ऐसे तो गिर के टूट सकता है लेकिन ऐसी है कि अगर आप अच्छे से रखेंगे तो आराम से चलेगा। तो देख सकते हैं मेरे पास तो ये है, काफ़ी समय से मैंने इसे आज तक गिरने नहीं दिया है और बस इसका एंटीना टूट गया था क्योंकि इसका एंटीना मैंने खोलते खोलते ज़्यादा ही खोल दिया और वो हाँ निकल के मेरे हाथ में आ गया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके डिमेरिट्स और मेरिट्स की ये सीरीज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम डिमेरिट्स की बात करते हैं क्योंकि मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और डिमेरिट्स कम हैं। डिमेरिट नंबर वन पे आते हैं। डिमेरिट नंबर वन है इसका एंटीना। सबसे बड़ा डिमेरिट जो हर रेडियो प्रशंसक जानता ही होगा कि इनका एंटीना जो 500 के रेडियो आजकल आ रहे हैं लोकल शॉप पर वो कितने कमज़ोर होते हैं। लोकल शॉप की बात ही नहीं है, बहुत सारे रेडियो अभी ऑनलाइन भी मिलते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एंटीना क्वालिटी ख़राब होता है। मतलब मैंने लिटरली चेक किया, मैंने कैंची से एंटीने को काट दिया, एंटीना एकदम मतलब कागज़ के जैसा कट रहा था। तो इस प्रकार के एंटीनाज जो होते हैं वो सिर्फ रेडियो को मतलब एक नकली सा मतलब प्रोवाइड करते हैं लुक, वैसे तो काम करते ही हैं लेकिन तब पर भी उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा इनका सबसे बड़ा दिक्कत है ये चार्जिंग सॉकेट हमें बिल्कुल दे रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें रिचार्जेबल बैटरी नहीं है तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप इसे चार्जर पर चलाएंगे तो डायरेक्टली चार्जर पर चलाएंगे तो आपका जल्दी हो सकता है रेडियो ख़राब हो जाए क्योंकि इनमें आईसी लगी होती है, काफ़ी सारे सर्किट में आपके काफ़ी सारे मतलब कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कुछ भी जल सकता है ज़्यादा समय चलाने पर। तो इसीलिए इसमें आपको बैटरी नहीं करके दी जाती है। अगर आप 100 रुपये ज़्यादा ही ले लें लेकिन अगर एक बैटरी लगा के दे दें तो काफ़ी ज़्यादा आपके कस्टमर्स का ही भला होगा। तीसरी इनका है बिल्ड क्वालिटी, जो कि मतलब काफ़ी कॉमन है। अब आप 500 रुपये में चाहेंगे कि इतना मजबूत नहीं बना सकते रेडियो। तो कुल मिला के बिल्ड क्वालिटी एक मतलब माइनर से डिमेरिट है जो कि रहता ही है इन सब रेडियो में, लेकिन तब पर भी डिमेरिट था, मैंने इसे ले लिया, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनमें मेरिट तो है डिमेरिट भी हैं, अब चलिए डिमेरिट में तो हम लोग एक और डिमेरिट बता देते हैं, ट्यूनिंग स्केल। रेडियो का जो ट्यूनिंग स्केल है ठीक ठाक है, लेकिन ट्यूनिंग स्केल में दिक्कत क्या है कि ये ट्यूनिंग स्केल जो है वो एक्यूरेट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टेशन पटना का सर्च करना था तो वो स्टेशन जो होता है पटना का वो 630 या 640 किलोमीटर, मेरे को अभी तो याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन वो उससे आगे दिया, मतलब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उससे काफ़ी ज़्यादा आगे। जैसे कि अगर मान लीजिए 600 पे मेरे को 600 किलोहर्ट्ज पे कोई स्टेशन आ रहा है तो मुझे उसे सुनने के लिए 600 किलोहर्ट्ज पे एक्चुअल स्टेशन जगह जो लोकेशन है वहाँ पे नहीं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये भी डिमेरिट में आ गया। लेकिन अब मैंने जैसा कहा कि इसमें डिमेरिट्स हैं लेकिन मेरिट्स भी हैं इसमें। मेरिट नंबर वन क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका इतना ज़्यादा जा सकता है कि जितना कि आपको मेरे हिसाब से मतलब
इस प्राइस रेंज के रेडियो बहुत मतलब बढ़िया काम करते हैं, इतना मतलब इसमें वॉल्यूम रहता है। अगर मैं आपको चला के सुनाऊं, अगर मैं ट्यून कर लूं अपना लोकल स्टेशन, देख सकते हैं बिल्कुल डिस्टॉर्शन नाम की चीज ही नहीं है। रामसंस में सोनी की आईसी लगी हुई है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, बनाकर खोल कर इसे दिखाया है, तो अगर आपने नहीं देखा देखिएगा, इसमें सोनी की आईसी है। डिस्टॉर्शन आप बिल्कुल देखा बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें अभी फिलहाल बैटरी तो खत्म होने वाली है, लेकिन तब पर भी यहाँ देख सकते हैं बैटरी थोड़ी तो खत्म हो रही है। काफ़ी मुझे को अच्छा लगा, मतलब ये मतलब वॉल्यूम इसमें इतने अच्छे जा सकते हैं, आराम से 4-5 लोग बैठ के इसे सुन सकते हैं, ठीक। और इसका जो मेरिट है, दूसरा मेरिट वो है इसके पीछे का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं खोल देता हूं उससे पहले, ये देख सकते हैं अभी भी कंपनी का 3 सेल वाला रेडियो देना। रामसंस हो गए और भी विमेक्स हो गए, और विमेक्स शायद 2 सेल पे चलता है, ये रामसंस हो गया, संतोष हो गया, ऐसे ऐसे रेडियोज जो है वो अभी भी 3 सेल वाले रेडियोज बना रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। 500 में अपने 3 सेल वाले रेडियो अभी भी जिंदा रखे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ की क्वालिटी जो होती है लाजवाब होती है, और 2 सेल वालों से ज़्यादा अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। तीसरा मेरिट लगा मेरे को इनका जो ये बैंड स्विच है उसका, बैंड स्विच का ये फ़ायदा मेरे को लगा कि इसमें जो है आपको जल्दी ये मतलब एकदम क्लिकी साउंड के साथ आपके शिफ्ट करते हैं, और ख़राबी इनमें बहुत कम आती है। मेरा जो रेडियो है इसमें मैंने जैसे लास्ट में कर दिया 1-2 FM पे आ गया, बाकी 2 इसमें टीवी के बैंड जो काम के तो नहीं है, लेकिन तब पर भी बैंड स्विच इसका काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के इसका जो मैं ओवरऑल कहूँ तो सोनी की आईसी आती है इसमें, 4 इंच का स्पीकर लगा हुआ है, वॉल्यूम नॉब अच्छा है, और ट्यूनिंग भी ठीक ठाक हो जाता है इससे। उसके बाद 3 सेल का इसमें 3 सेल लग जाते हैं, यानी कि 3 सेल का रेडियो है, और चार्जिंग पॉइंट भी आपको दे ही दिया जाता है, बैंड सेलेक्टर भी अच्छा खासा दिया जाता है। तो रेडियो जो है वो कुल मिलाकर आपको काफ़ी चीज़ प्रोवाइड करता है। अब ये देखिए रामसंस का रेडियो है तो इसमें क्वालिटी तो है, बिल्कुल है, मैं कह सकता हूँ आँख बंद करके कि क्वालिटी 500 के हिसाब से ये देता है। सोनी की आईसी दे रहा है तो हम लोग इस पर अब कोई भी शक ही नहीं कर सकते, सोनी की आईसी आपने दे दी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आपको आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है मेरिट्स डिमेरिट्स की वो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।